एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां दर्जनों पक्षियों में कौवों की अचानक मौत हो रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण से जहां दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं शासन प्रशासन इसका मुंहतोड़ जवाब देने का भरपूर प्रयास कर रहा है, पर इसका असर आम जिंदगी के साथ पक्षियों पर भी संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। खबर कटनी जिले के रीठी तहसील की है, जहां क्षेत्र के लोग खुद को संक्रमण से बचाव को लेकर एहतियात तो बरत रहे हैं, लेकिन पक्षियों की मौत से अचानक लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। विगत दिनों से रीठी रेलवे स्टेशन के पास लगे बगीचे में निवास कर रहे व आसपास के इलाकों के पेड़ पर बैठे हुए कौवे अचानक से जमीन पर गिरते हैं और उड़ने की कोशिश करते करते अपना दम तोड़ देते हैं। ऐसी ही स्थिति में दर्जनों कौवों की मौत से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों के द्वारा किसी बड़ी बीमारी व बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना करते हुए देखा गया तो जगह जगह पर कई कौवे जमीन पर मृत पड़े थे, जिसकी जानकारी तुरंत सरकारी स्तर पर देते हुए सभी मृत पड़े कौवों को एकत्रित कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिससे पता चल सके कि आखिरकार इन कौवों की मौत का कारण क्या है। ये लग रहा है दो तीन दिन में जैसे कोई बीमारी उत्पन्न हो रही हो भाई, अचानक कौवे मरना और ध्यान न देना वन विभाग को, इससे आसपास के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए वन विभाग कुछ करे इसमें पहल, तो आम नागरिकों को भी सुरक्षा मिले। क्या शुभ नाम है आपका? लखन कुमार वर्मा। अगले मिले आपको इनको 15 कौवे मिले। अच्छा, तो अब इन कौवे का मतलब अपन कहाँ भेजेंगे? अब इनको वेटनरी डॉक्टर के यहाँ पीएम के लिए भेजेंगे जी। और फिर जैसे वरिष्ठ का दिशा निर्देश होगा वैसे काम करेंगे। तो अभी कोई आशंका जाहिर की जा सकती है कि कारण क्या है इसमें? अभी कुछ नहीं। शुभ नाम आपका? सनोज कौर। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो किड्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886, 9770229999।